सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि पाप किसको जन्म देता है। यदि आज आप पाप में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर पाप की प्रवृत्ति क्यों बनी रहती है। मेरे मसीह भाई बहन, आप विश्वास में होने पर भी नहीं संभल पा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने शरीर की बात सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको हर प्रकार के पाप और श्राप से मुक्ति करता है। तो मेरे मसीह भाई बहन, मैं आपको बता दूं कि आप वचन को याद रखिए और समय पर उसका इस्तेमाल करिए, और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उस समय सोचिए, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये काम करने या ये बात बोलने के लिए आदेश देता है या फिर नहीं। ऐसा करके आप पाप की प्रवृत्ति से बच सकते हैं। आप जो चाहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी उस जरूरत को आपके मांगने से पहले जानता है, लेकिन आपकी ये जरूरत तभी पूर्ण होगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और उसकी बातों को समझेंगे। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आपकी जरूरतें 101% पूर्ण होगी। मेरे मसीह भाई बहन, आपको हमेशा अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की ही बात सुनना होगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों अध्याय 5 उसके 16 पद से 25 पद तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। इस वचन के शुरू में यही लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के काम किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। तो जब हम अब मसीह में हैं तो पुरानी बातों को दोहरा कर क्या फायदा। हमें मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा, तभी हम परमेश्वर के सच्चे भक्त कहलाएंगे। हमें अपने शरीर और आत्मा के फल अर्थात काम को समझना है, और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सत्य ठहराया है उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम 24 पद में देखेंगे, लिखा है, हम जब मसीह में आते हैं तो जैसे यीशु मसीह ने हमारे पूर्वजों के पाप और श्राप को क्रूस पर चढ़ा दिया, और वो पाप और श्राप जो हमारे पूर्वजों के ऊपर था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा खत्म कर दिया गया, वैसे ही हमें अपने शारीरिक इच्छाओं और कार्य अर्थात बुरे कार्य, लालसाओं, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना है, अर्थात त्याग देना है, छोड़ देना है, जिससे कि हम परमेश्वर के महिमा के योग्य हो जाएं। यदि हम पाप कर रहे हैं अर्थात परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, और पाप करने का परिणाम यीशु मसीह के वचन में साफ साफ लिखा है कि आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। शारीरिक मृत्यु नहीं, न्याय के बाद परमेश्वर जिस अनंत काल की झील में डालेगा वहाँ की बात हो रही है, जहाँ पर रोना, पीटना, चीखना, चिल्लाना और आग के भयंकर पीड़ा में डाल दिए जाओगे। अनंत काल की मृत्यु से बचने के लिए आपको सचेत किया जा रहा है कि जीवन बदल लो, अभी वक्त है, क्योंकि पाप मृत्यु को जन्म देता है। परमेश्वर की इन सभी बातों को हम याद रखें और अपने जीवन काल में इस्तेमाल करें, ताकि हम पाप के मृत्यु से बच सकें और अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें।
और परमेश्वर के साथ बैठ के परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आनंद कर सकें। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।